हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ईडीयू चैम्प लाइव क्लासेस। आपको पता है कि हमने जो एसएससी का जो सिलेबस स्टार्ट किया है, क्रेश कोर्स 90 डेज का, उसके अंदर अपने एसएससी का जो बेसिक सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेके जो अपना जीडी का लेवल है, जो कि अपनी अपकमिंग एग्जाम है, आने वाली एग्जाम है, उसको सबसे पहले ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जीरो से वोकैब और इंग्लिश का जितना भी कोर्स होता है, सिलेबस होता है, ग्रामर का पोर्शन और वोकैब का, वोकैबुलरी का, वो अपन साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो नाउन स्टार्ट किया था इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले वीडियो में, नाउन जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि नाउन होती है, सिंगुलर होती है, उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में आपको क्या बता रहा था, जो नाउन होती है सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं, यह बता रहा था मैं आपको। तो मैंने आपके साथ कुछ रूल डिस्कस कर लिए थे। तो ये जो वीडियो होगा अपना, ये बेसिकली क्या है कि आपको जो इंग्लिश है उसकी बेसिक नॉलेज देने वाला है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं आप, इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, और अपने कोई भी सुझाव है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कल तक अपने देख लिया था, ठीक है, जैसे अपन ब्रांच का बनाते हैं तो ब्रांचेस देख लिया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था ब्रांच का बनाते हैं तो क्या बनता है, ब्रांचेस बनता है, ईएस लगता है। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका एक्सेप्शन क्या था, मोनार्क था। और मोनार्क का मैंने कैसे बनाया था, मोनार्क का मैंने बनाया था सिर्फ एस एड करके। कैसे? क्योंकि इसके अंदर लास्ट में कै की ध्वनि आ रही है, उसके अंदर आ रही चै की ध्वनि। समझ में आया आपको? चै की ध्वनि आती है तो ईएस जोड़ा मैंने, और कै की ध्वनि आती है तो एस जोड़ा। जैसे मैंने स्टमक लिखा था, स्टमक यानी पेट, तो स्टमक का मैंने बनाया है स्टमक्स, न कि ईएस जोड़ा मैंने। समझ में आ गई बात? लास्ट में कै की ध्वनि आ रही है तो आपको एस ऐड करना है। लास्ट में चै की ध्वनि आ रही थी, देखो आ तो सी एच ही रहा है यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन यहां पे चै की ध्वनि है, यहां पर कै और कै की ध्वनि है, तो इसमें एस जोड़ा, इसमें भी एस जोड़ा है और इसमें ईएस। तो ऐसे मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए थे। एक बताया था मैंने आपको कि पोटेटो, पोटेटो के अंदर आपको प्लूरल बनाना है तो आप इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, रूल के अकॉर्डिंग आप जोड़ेंगे ईएस, तब बनेगा पोटेटोस, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका जो एक्सेप्शन बताया था, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका एक्सेप्शन से आने वाला है, आपका कोई रूल से क्वेश्चन कोई नहीं बनाता। एक्सेप्शन जो होता है, जहां पर भी एक्सेप्शन है उसको तो बिल्कुल याद करके चलना है कि एक्सेप्शन कहाँ है, अपवाद कहाँ है। तो फोटो, फोटो का रूल सेम टू सेम इसके जैसा है, इसके अंदर टी ओ आ रहा है तो इसके अंदर भी यही आ रहा है, लेकिन इसका जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है, सिर्फ एस एड करके। सिमिलरली क्या था अपना, सिमिलरली एक और वर्ड था कमांडो, ठीक है। कमांडो का भी प्लूरल कैसे बनता है, सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, सिर्फ एस ऐड करना है, ठीक है। ये अपना कल हो चुका था, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्या है, आगे वाला रूल अपना क्या कहता है कि रूल नंबर मेरे हिसाब से 6 था प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कल मैंने 5 रूल बता दिए थे आपको। चौथा रूल क्या कहता है, यदि नाउन के एंड में, यदि नाउन आपकी एंड हो रही है किससे, आपकी नाउन एंड हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं, एफ से, डबल एफ से, या फिर किससे, एफ ई से, ठीक है। आपके नाउन किससे एंड हो रही है, इनसे एंड हो रही है, तो आपको करना क्या है, इन सबको हटा देना है, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, इन सबको तो हटा देना है और प्लस ऐड कर देना क्या, वीई एस। समझ में आ गया? आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा आपका। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल मैंने लिखा वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, क्या इसके एंड में क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है, ये ला एफ ई आ रहा, तो आपको एफ ई को ही हटा देना है। मैंने क्या कहा, देखो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये, तो एफ डबल एफ या एफ ये, इन तीनों को कंप्लीट हटा देना है और एंड क्या आपको ऐड क्या करना है, वीई एस, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैंने डब्ल्यू आई लिखा, मैंने इसको पूरे को एलिमिनेट कर दिया, अब क्या जोड़ूंगा मैं, वीई एस जोड़ दूंगा और ये प्लूरल बन जाएगा। ये पति था, सॉरी ये पत्नी थी और पत्नियां, ये भी आपका प्लूरल हो गया। क्या किया मैंने, मैंने एफ ई को तो हटाया और वीई एस ऐड कर दिया, सिंपल सा रूल है। अगले एक और देख लेते हैं अपन। जैसे अपन बोलते हैं कि के एन आई एफ ई, नाइफ मतलब क्या होता है, नाइफ मतलब चाकू, इसके अंदर क्या आ रहा है, लास्ट में एफ ई आ रहा है, रूल मैच कर रहा है अपना, बिल्कुल जी कर रहा है। आपको क्या करना है, एफ ई को तो एलिमिनेट करना है, यहां से हटा ही देना है और के एन आई लिखो और वीई एस ऐड कर दो, ठीक है। आपने वीई एस ऐड कर दिया, ये नाइव्स, क्या बोलेंगे इसको, नाइव्स, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नाइव्स। इसमें एफ है ही नहीं, अब एफ हट गया तो एफ की साउंड भी हट जाएगी। एक बात बताता हूं आपको, अपन पढ़ते हैं सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक सेल्फ ये होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, साथ में अपने को वोकैब भी तैयार करनी है। वोकैब के अंदर क्या कंफ्यूजिंग वर्ड मैं आपको बताता हूं, तो देखो ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड अपने सामने, एक तो सेल्फ है, एक सेल्फ है, ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस सेल्फ का मतलब क्या होता है, अलमारी होती है, सेल्फ बोलते हैं अपन सेल्फ, ठीक है, उसको सेफ भी बोलते हैं, एल अपन साइलेंट कर देते हैं। ये सेल्फ क्या होता है, ये अपना, अपन बोलते हैं आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको एफ को हटा देना है, इसका भी एफ हट जाएगा तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, एस ई एल वी ई एस सेल्स, यानी होता है ना योर सेल्स, आवर सेल्स,
और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा एस एच ई एल, इतना तो है ही। एप को हटाया मैंने और उसके वी ई एस एड कर दिया, आपका रूल क्या हो गया, नाउन यदि इफ नाउन इज एंडिंग विद एफ और डबल एफ और एफ ई, देन रिमूव ऑल दिस प्रोसेसन एंड एड वी ई एस, देन इट विल बिकम प्लूरल ऑफ द सिंगुलर वर्ब। ओके, सो वाइफ का हो गया, नाइफ का हो गया, सेल्फ का हो गया और सेफ का हो गया। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात आती है, तो आपका रूल हो गया, एक्सेप्शन देख लेते हैं इसके। एक्सेप्शन क्या कहते हैं, एक्सेप्शन बहुत ही सिंपल है इसका। ठीक है, एक्सेप्शन लिखता हूं मैं, दैट इज गल्फ। आपने सुना होगा गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्री सुना होगा, अरबियन जो खाड़ी होती है, खाड़ी देश होते हैं, उनके बारे में आते हैं गल्फ। गल्फ का मतलब खाड़ी होता है। ठीक है, आपको लगेगा कि इसका एंड हो रहा है एफ से, तो आप क्या करेंगे, इसको बना देंगे जी यू एल हटाया और वी ई एस लगाया, गल्फ। लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, एफ के आगे एस ही ऐड करना, दैट इज गल्फ। समझ में आया? तो कहने का मतलब एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है तो गल्फ को याद रखें, गल्फ होता है। एक और होता है इसका, इसका तो ऊपर लिख रहा हूं मैं ड्वार्फ। देखो ड्वार्फ पर्सन क्या होते हैं, ड्वार्फ पर्सन होता है बोना आदमी, जिसकी हाइट थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्वार्फ, यानी कि बोना आदमी। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे कि ड्वार्फ, यानी आर को अब एफ हटाएंगे वी एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, आपको जो गल्फ का किया है वही इसका करना है ड्वार्फ। ठीक है, तो दो एक्सेप्शन हो गए इसके, कौन कौन से गए, ये वाला ड्वार्फ हो गया और गल्फ हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो ये तो बात होगी सिंपल, जो आप लोल बना रहे हैं उनकी। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। तो आपके जो लोअर क्लासेस होती हैं, आपकी जो एनसीईआरटी में 6-7 क्लास होती है ना, उनके अंदर आता है 7-8 के अंदर। ठीक है, अब अपन वो पढ़ेंगे, स्पेशली वो पढ़ेंगे जो आपका जो एसएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल कैसा पूछा जाता है वो पढ़ने वाले। आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर सिंगुलर प्लूरलिटी जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं उनको देखने वाले। ये तो जो पढ़ा है अभी तक वो आपका 6-7 क्लास में आता है, लेकिन बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि पहला रूल देखते हैं अपन किसके लिए, एग्जाम्स के लिए। तो इसके अंदर जो रूल ये कहता है कि आप इनसाइड इनसाइड वोवल होता है, आपको वो चेंज करना है, चेंज करके आप करोगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। देखो आपको रूल के नाम से समझ नहीं आएगा, जैसे मैं एग्जाम बताऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे, आप देखेंगे कि मैं बनाता हूं मैन, आप मैन का क्या बनाते हैं, मैन्स बनाते हैं, मैन का मैन थोड़ी बनता है। आपका जो अंदर वाला वोवल होता है, देखो इनसाइड वोवल, अंदर वाला वोवल होता है, उसको आपको ई में चेंज कर देना है और आपका प्लूरल बन जाएगा मैन। ठीक है, ऐसे ही होता है विमेन, देखो इसको बोलते हैं वुमन, सिंगुलर को बोलते हैं ऐसे, कई बोलते हैं इसको वुमेन, नहीं इसको बोलते हैं वुमन। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, सेम टू सेम जैसे ऊपर बना वैसा ही बनेगा, बन गया, मैंने एक और ई कर दिया, लेकिन इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं विमेन। ध्यान रखना, बोलने का भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, आपका प्रोनाउंसिएशन चेक हो जाता है, वुमन होता है ये वुमन और ये विमेन, ये मैन ये भी मैन। इसके बाद देखते हैं अपन, एक आता है फुट, फुट का मतलब पैर होता है, और आप कह दें कि एक मेजरमेंट की यूनिट भी होती है, इसको बोलते हैं फीट। जब सिंगुलर की बात हो तब तो डबल ओ आता है, फुट यानी वन फुट, ओनली वन फुट। अगर टू की बात हो जाए तो टू फुट नहीं आएगा, फिर टू फीट आएगा। समझ में आ गया, सिंगुलर होता है तो फुट बोलते हैं और प्लूरल होता है तो फीट बोलते हैं। समझ में आ गया, अपना एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे लिखाता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन अपना, सेवरल मैन एंड वुमन, सेवरल मैन एंड वुमन वर वुंडेड, इसको क्या बोलते हैं वुंडेड, अभी बताऊंगा क्या होता है, इन द ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, सेवरल मैन एंड वुमन वर वुंडेड इन द रेल एक्सीडेंट। ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट जो भी है, पहली बात तो ये वुंडेड क्या है, इसका मतलब होता है घायल होना, यानी कि चोट लगना, यानी कि घाव पड़ना। समझ में आ गया, ये सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म है, तो पहली फॉर्म होती है इसकी डब्ल्यू ओ यू एन डी, वुन यानी घाव पड़ना। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे मैन क्या है, प्लूरल में लिख रहा है आपको एम ई एन लिखा हुआ है, तो एन के साथ यहां पर प्लूरल ही आएगा। समझ में आ गई बात, तो यहां पर क्या आएगा, डब्ल्यू ओ एम ई एन, ये गलत है आपका, यह गलत हो गया, आपको ये सही करना है। ठीक है,
तो मैंने आपको वुंड का बता दिया क्या होता है, घायल होना, तो साथ साथ में वोकेबुलरी का पार्ट भी चल रहा है, ध्यान रखना इसको। आपको क्या करना है, आपको साइड कॉपी में वुंड का घायल होना लिख लेना है, ठीक है। और आपको यह भी लिख लेना है कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है वुंड, सेकंड फॉर्म होती है वुंडेड, ईडी लगता है, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर होते हैं, मोस्टली बात कर रहा हूं मैं जनरली, नहीं कि 100%। ओके, सो अपन आगे देखते हैं, ये वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो बताने वाला हूं मैं, कौन सा है। आपको क्या मिलेगी, आपको कुछ कंपाउंड नाउन मिलती है, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का मतलब अपने आप में क्या हो जाता है कि दो या दो से अधिक चीजें मिली होंगी, समझ में आ गया आपको। जैसे साइंस के अंदर होता है कंपाउंड यौगिक, ठीक है, तो उसके अंदर दो या दो से अधिक अणु मिले होते हैं, वैसे ही इसके अंदर कंपाउंड नाउन। कैसे, तो कंपाउंड नाउन का क्या है, कंपाउंड नाउन इसमें दो या दो से चीजें ज्यादा मिली होंगी। कैसे, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, तो यहां पे क्या है, सिस्टर इन और लॉ अलग अलग है ना, तो एक कंपाउंड नाउन बोलेंगे इसको। तो कंपाउंड नाउन का आपको प्लूरल बनाना होता है, बहुवचन बनाना होता है, तो कैसे बनाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना होता है आप क्या करेंगे, जो इसके मैन जो वर्ड होता है इसके अंदर जो मैन वर्ड है उसके अंदर एस लगाना है, मतलब उसका प्लूरल बनाने के अकॉर्डिंग आपकी पूरी जो कंपाउंड नाउन है उसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपको यदि सिस्टर इन लॉ का बनाना है, सिस्टर इन लॉ इसका प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एस कहां लगाएंगे, आपको लगता है कि एस यहां लगेगा सिस्टर इन लॉज, जबकि मैन पॉइंट इससे मैन जो वर्ड है वो सिस्टर है ना कि लो, ठीक है, तो आपका प्लूरल बनेगा यहां पे सिस्टर्स इन लो। यदि आपके बहुत सारे सिस्टर इन लो होते हैं तो आप उनको बोलते हैं सिस्टर्स इन लो, ना कि सिस्टर इन लॉज, समझ में आ गया। जैसे बात करूं मैं ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, जैसे इसको देवर बोलते हैं, दामाद बोलते हैं, ठीक है, दामाद नहीं सॉरी देवर, हिंदी में इसको देवर बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया ब्रदर्स इन लो, ठीक है। आपका लो के अंदर एस नहीं जुड़ेगा, आपका जो मैन वर्ड होता है, ध्यान रखना कि मैन वर्ड कौन सा है, उसके अंदर लो जुड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ और डिफरेंट देखते हैं। आपका स्टेप आता है, स्टेपसंस, स्टेपसन आता है, तो बताओ मुझे इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है जो मैन वर्ड है, सन है या स्टेप है, सन है, तो आप क्या करेंगे सर, जब प्लूरल बनाएंगे तो एस कहां जुड़ेगा, एस जुड़ेगा सन्स में, स्टेपसंस, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आपको बहुत बार मिलेगा, लुकर ऑन, लुकर ऑन क्या होते हैं, लुकर ऑन वो होते हैं जैसे राहगीर बोलते हैं ना, राहगीर, ठीक है, लुकर ऑन क्या होते हैं, नहीं सॉरी, लुकर ऑन का मतलब दर्शक, लुक लुक यानी देखना, तो आपको देखने वाले कौन होते हैं, दर्शक होते हैं आपके स्टेडियम के अंदर, तो इसका जो बहुत सारे दर्शक होंगे तो मुझे बताओ इसका मैन वर्ड कौन सा है, ऑन है या लुकर है, लुकर होता है जो देखने वाले, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा लुकर्स ऑन, समझ में आ गया। एक वर्ड होता है पासर बाय, हाँ पासर बाय का मतलब क्या होता है, राहगीर, देखो पासर मतलब जो आपके पास से गुजर जाए, समझ में आया, जो आपके पास से गुजर जाए उसको क्या बोलेंगे, पासर बाय, तो उसका आपको बताया कि इसके अंदर मैन वर्ड कौन सा है, बाय है कि पासर है, ये वाला है, तो आप एस किसके अंदर ऐड करेंगे, पासर्स के अंदर, पासर बाय, बहुत सारे राहगीर हो जाएंगे पासर्स बाय बोलेंगे, बहुत सारे दर्शक हो जाएंगे इसको क्या बोलते हैं, दर्शक, हिंदी के अंदर आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये हो गया राहगीर, समझ में आ गया आपको, राहगीर और दर्शक, ठीक है। इसके बाद मैं आगे लिखता हूं, सिर्फ कंपाउंड नाउन चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यदि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, आपका जो सेंटेंस एरर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपके एस यहां लगा देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कहां एस लगा दिया, यहां एस नहीं लगता, एस लगता मैन वर्ड के अंदर, तो सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ बनता है न कि सिस्टर इन लॉज, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे मैं बात करूं सर्वेंट क्या होता है, सर्वेंट का होता है सर्वेंट्स, सर्वेंट मतलब नौकर, तो उसके आगे एस जोड़ दूंगा सर्वेंट्स, तो अब देखना यदि मैं बात करूं मैन सर्वेंट की, यानी कि आप ऐसे सर्वेंट की बात करें जो कि मैन है यानी मेल है, तो आप इसमें इसमें कौन से वर्ड है, इसमें कौन सा वर्ड आपको पता चलेगा, कौन सा वर्ड इसके अंदर है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये मैन वाला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर करेंगे मैन, देखो मैन का तो मैंने मैन कर दिया और आपका सर्वेंट का सर्वेंट रहेगा, कहने का मतलब सर्वेंट का आपका सर्वेंट बनता तो है, सर्वेंट का आपको सर्वेंट्स बनता है, लेकिन जब कंपाउंड नाउन की बात होती है तो उसमें आपका इंपॉर्टेंट जो मैन वर्ड है वो आपका मैन है, तो आप मैन का प्लूरल बनाएंगे, लेकिन न कि सर्वेंट का, सर्वेंट्स नहीं करना है, मैन को मैन में चेंज करना है, न कि सर्वेंट को सर्वेंट्स में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन,
जैसे आप वुमन आ जाए, वुमेन, वुमेन सर्वेंट, तो आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे विमिन, विमिन सर्वेंट, ठीक है। यानी कि आपको विमिन, वुमन जो है उसका प्लूरल बनाना है, ना कि सर्वेंट का, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। जैसे मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं यहां पर, क्योंकि इतने सारे याद तो रहते नहीं आपको बताएं। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना है। मैं बात करूं कि मैन लवर, मैन लवर, तो इसमें जो आपको पता है मैन वर्ड कौन सा है, इसमें मैन नहीं है, इसमें लवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लवर इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैन लवर्स, यानी यहां पे उन आदमी की बात हो रही है जो आदमियों को प्यार करते हैं, तो उनकी बात हो तो लवर मैच जुड़ेगा ना, बहुत सारे वो आदमी, मैन लवर्स, समझ में आ गया, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। जो कंपाउंड नाउन का चैप्टर है वो बहुत ही आपको पता चलेगा कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे पता चल जाएगा आपको। और मुझे बताओ, मैं यदि कहूं वुमेन हेटर, वुमेन, वुमेन हेटर, तो इसका कैसे बनेगा? देखो, तो इसमें क्या होने वाला, इसमें आपका जो होगा वो आपका वुमन तो वुमन रहेगा और हेटर्स आपके प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि बात यहां पे किसकी हो रही है, यहां उन लोगों की बात हो रही है जो हेट करते हैं वुमन को, यहां वुमन की बात नहीं हो रही। यदि वुमन की बात होती तो वुमेन करते, विमेन कर देते, प्लूरल कर देता, लेकिन जब वुमन हेटर्स की बात हो रही, उन लोगों की बात हो रही जो हेट करते हैं, तो मैंने हेटर के आगे एस लगाया, नहीं कि वुमन के आगे, नहीं कि वुमन को प्लूरल बनाया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, देखो कई वर्ड आते हैं इसके अंदर में, लास्ट में फुल जुड़ा होता है, कप फुल, स्पून फुल, और एक वर्ड होता है आपका बकेट फुल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, कप फुल मतलब भरा हुआ कप, स्पून फुल मतलब भरी हुई चम्मच, बकेट फुल मतलब भरी हुई बाल्टी, आपको इनका प्लूरल बनाना है। देखो वैसे तो ये भी कंपाउंड नाउन है, क्योंकि फुल अलग से ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपको इस वाले में क्या करना है, इस वाले में आपको फुल के आगे ऐसे लगाना है, न कि कप के आगे, हालांकि है इंपॉर्टेंस में कप ही, लेकिन लगाना फुल के आगे है, न कि कप के आगे। तो इसका जो आपका होता है, आप कह सकते हैं कि इसका थोड़ा सा आपका अपवाद ही मान लो इसको, लेकिन अपवाद में से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको तो पक्का पक्का याद रखना आपको, बकेट फुल एस, बकेट फुल्स, यानी बहुत सारे बकेट भरी हुई तो उसको बकेट फुल्स बोलेंगे, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये जो है, ये अपना फुल से आपका प्लूरल बनता है, ना कि कप से। फुल में जो आता है उसमें फुल के आगे एस ऐड करना आपको, ठीक है। कप क्या, हालांकि बात यहां पे कप की हो रही है, लेकिन कप का कप्स फुल नहीं करना, कप्स फुल इसको नहीं करना, इसको कप फुल्स करना है, एस इसके आगे ऐड होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, क्योंकि इसके आगे मतलब स्टूडेंट यही सोचते हैं कि कप है, कप की बात हो रही है, वो भरा हुआ है, तो कप्स फुल हो जाएगा। कहने का मतलब आप इसको ये करेंगे और ऑप्शन में आपको मिलने वाला है कप्स फुल, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आपको करना है कप फुल्स, यानी कि फुल के आगे एस लगता है, न कि मैनवर्ड के आगे, इस वाले की बात है। तो अपवाद से क्वेश्चन आते, मैंने आपको बताया, इस वाले को आपको रट के रखना है, ठीक है। एक आता है अपना, एक वर्ड आता है वुमन डॉक्टर, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में ये है कि आपके दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो डॉक्टर होता है वो वुमन का है, ये बात भी स्पेसिफिक है, और वो डॉक्टर है, ये बात भी स्पेसिफिक है। तो कहने का मतलब ऐसे वाले वर्ड के अंदर क्या होता है, ऐसे वाले वर्ड के अंदर दोनों ही पार्ट के आपको प्लूरल बनाने होते हैं, समझ में आया। मैं अभी तक आपको क्या बता रहा था, कभी तो इसका बनाना, कभी इसका नहीं बनाना, कभी बाद वाले का बनाना, पहले नहीं बनाना, फुल क्या गैस ऐड करना, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको दोनों वर्ड होते हैं उनका प्लूरल बनाना है, तो ये बनेगा विमेन डॉक्टर्स। क्या बना इसका प्लूरल, विमेन, वुमन का विमेन बना दिया और डॉक्टर का डॉक्टर्स बना दिया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन आएगा Yesterday, I met some passerby in the way of market. क्या क्वेश्चन लिखा मैंने, मैंने लिखा यस्टरडे आई मेट सम पासर बाय इन द वे ऑफ मार्केट। आपको पता करना है इसमें एरर क्या है। पहली बात, यस्टरडे मतलब बीते हुए दिन की बात कर रहा हूं, आई मेट मैं मिला, मीट देखो मीट होता है मिलना, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एक ईटा दो,
ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिमिलर मेड। देखो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, तो साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं मैं। मीट की फर्स्ट, मीट होती फर्स्ट फॉर्म, मिलना मेट, मिला मेट यानी मिल चुका, ठीक है, ऐसे याद करते हैं अपन। तो मिला सम, देखो ये सम कब आता है, देखो अपन आगे एडजेक्टिव और जो भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे आपका डिटरमिनेंट पढ़ेंगे ना सारे, तब आपको पता चलेगा कि जो सम आता है वो आपका प्लूरल के लिए आता है हमेशा। सम किसके लिए आता है, वो प्लूरल के लिए आता है, यानी कि यहां पे प्लूरल लोगों की बात हो रही, मतलब कई लोगों से मिला मैं, पासर बाय मतलब राहगीर, तो मैं जब रास्ते में मार्केट में जा रहा था तो मैं कई लोगों से मिला, न कि एक से। सम आ गया तो बहुत सारे लोग हो गए, कुछ का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज्यादा ही होते हैं, प्लूरल आएगा। तो मैंने पासर बाय का बताया था प्लूरल कैसे बनता है, आपको क्या करना है पासर के आगे एस ऐड करना है, पासर्स बाय, ठीक है। अब देखना, चलो आपको पता लगा कि चलो ये गलती हो गई, लेकिन आप इस क्वेश्चन के अंदर एक गलती और छुपाई है मैंने, क्या, यस्टरडे आई मेड सम पासर्स बाय, तो इन द वे नहीं होता, ऑन द वे होता है, क्या बताया मैंने, इन द वे नहीं होता, ऑन द वे होता है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, यस्टरडे आई मेड सम पासर्स बाय ऑन द वे ऑफ मार्केट, मतलब मैं जब रास्ते में जा रहा था मार्केट के लिए जा रहा था, तो ऑन द वे होगा, तो याद रखें आप कि इन द वे गलत होता है और ऑन द वे सही होता है, समझ में आ गया आपको, ये हो गया। तो ये कैसे सेंटेंस सही होगा, यस्टरडे आई मेट सम पासर्स बाय ऑन द वे ऑफ मार्केट, समझ में आ गया आपको। एक कप फुल का और कर लेते हैं, कप फुल का क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन है अपना, द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम टू टेक टू कप्स फुल ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। क्या बोला कि डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी कि भैया तुम क्या करना, दो कप फुल लेना, किसके, मिल्क के, कब लेना, सुबह सुबह लेना, ठीक है। पहली बात तो देखो एडवाइस, आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक तो होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइस, ठीक है, मेरी ए और डी में थोड़ा डिफरेंस समझ लेना, ये होता है एडवाइस, ठीक है, ये तो आपका होता है नाउन और ये होता है आपकी, सॉरी ये आपका होता है वर्ब और ये होते हैं नाउन, ठीक है, दोनों सिंपल दिखती है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना और एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, ठीक है, इसका मतलब क्या, सलाह देना, मतलब ये वर्ब आपकी, इसकी ही थर्ड फॉर्म बनेगी। यदि आपको ऐसा दिया होगा एडवाइस्ड, यदि आपको सीईडी दिया हो तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, आपको एस ई है, दैट मीन्स वो वर्ब है सलाह देना और ये आपका हो गया सलाह, ठीक है, बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है यहां पे। एडवाइज हिम टू टेक टू कप्स फुल, देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, आपको कप्स फुल नहीं बनाना, आपको फुल के साथ एस एड करना है, तो ये बन जाएगा कप फुल्स, टू है प्लूरल आएगा, ये हो गया कप फुल्स, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था जो इंग्लिश है उसके अंदर अपन चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं, और देखो ये वोकैबुलरी है और मैंने आपको एडवाइस के बारे में बताया, ये वोकैबुलरी भी साथ साथ में बता रहा हूं आपको, समझ आ गया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पासर बाई का बताया था उसको क्या बोलते हैं, आपका लुकर उनको क्या बताया था वो क्या बोलते हैं, तो कहने का मतलब आपकी वोकैबुलरी भी साथ में स्टार्ट है और अपना जो ग्रामर है वो आपकी स्टार्ट रही है, ठीक है। तो कप फुल क्या बनता है, कप्स फुल, कब फूल्स बनता है, फूल क्या कैसा लगता है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन वो भी दबा दें, ताकि जो भी अपना नया वीडियो आता है हमारे से वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। थैंक्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।